अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज़ आयशा सलीम आई होप यू ऑल आर आर फाइन एंड डूइंग वेल टुडे वी गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट आज के लेक्चर के अंदर हम अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पर एक स्किल को अचीव करेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रो मैगनेट्स की कुछ एप्लीकेशन को दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ हम उनको डिस्कस करेंगे तो हमारा आज का एस एल ओ है कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स दिस लेक्चर वी कवर दिस लेक्चर अंडर द प्रीवियस एस एल ओ जिसमें हमने मैग्नेट टाइप्स को डिस्कस किया था सो सोटी स्टूडेंट्स हमारे पास स्किल है दैट इज स्किल टेन पॉइंट सिक्स इन दिस स्किल स्ट्रोक मैथड एंड इलेक्ट्रिकल मेथड हम इन दो मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए मैग्नेटिज्म को इंट्यूस करवाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे अपने फर्दर स्किल uh, को कंप्लीट करेंगे आप इस स्किल को ओपन कर सकते हैं इसी वीडियो के लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके तो ये स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने स्किल के फर्स्ट पार्ट की तरफ इन विच वी यूज द स्ट्रॉक मैथड टू इंड्यूस दी मैग्नेटिज्म द मटीरियल डेट वी यू नीडेड टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इज स्ट्रॉग मैग्नेट आयरन नील पेपर क्लिप्स वायर बैटरी और बैटरी आपकी सिक्स टू नाइन वोल्ट हो सकती है तो फर्स्ट पार्ट हमारा है ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था बिल्कुल उसी मेथड को अप्लाई करते हुए हम स्ट्रोक मेथड के जरिए से मैग्नेटिज्म को करेंगे इन विच वी रब अ पीस ऑफ आयरन और स्टील नेल अलोंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इन वन डायरेक्शन फॉर सेवरल मिनट्स आप थर्टी स्ट्रोक्स आ, इसके कर सकते हैं उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट के मैग्नेटिज्म को टेस्ट करेंगे किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट के ऊपर या इवन पेपर

नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ दैट इज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक मैथड इस मैथड को इस्तेमाल करते हुए हम एक आयरन नेल और उसके गिर्द हम रैप करेंगे अपनी इंसोलेटेड वायर को एंड देन कनेक्ट देम विद द बैटरी दैट इज सिक्स टू नाइन वोल्ट और हम इलेक्ट्रो मैग्नेट इस तरह से उसको बनाएंगे और उसके बाद हम उसके मैग्नेटिज्म को टेस्ट करेंगे एंड आफ्टर डूइंग डूंग दिस एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अर ऑब्जर्वेशन वी आंसर दीज टू क्वेश्चन फर्स्ट वन इज वट हैपन्स वेन यू कनेक्ट द वायर टू अ बैटरी एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कैन यू कंट्रोल द मैग्नेटिजम बाई टर्निंग द फ्रंट ऑन एंड ऑफ मुझे उम्मीद है कि आप इस स्किल शीट को इजिली अचीव कर लेंगे बिकॉज हमने इन दोनों प्रोसेसिस को अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेट सोटिया स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रो मैगनेट की दैट इज इलेक्ट्रिक uh, बेल इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम हेल्प लेंगे एक सिमुलेशन की जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है आप इस लिंक पे क्लिक करके इजीली उस सिमुलेशन को ओपन कर सकते हैं तो ये स्टूडेंट्स अगर हम इसकी वर्किंग पे देखें तो ये कुछ इस तरह से सेट हुई होती है अगर हम इसकी वर्किंग के ऊपर आए तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसको ऑन किया

करंट की प्रोड्यूस करंट की ट्रैवलिंग की वजह से हमारे पास यहाँ प्रोड्यूस हुआ जिसने इलेक्ट्रिक जिसने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया और इसी मैग्नेटिक फील्ड ने इस सॉफ्ट आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और जैसे ही अट्रैक्शन होगी हमारे पास की हीट करेगा और उसके नतीजे में हमें बेल की आवाज सुनाई देगी और जैसे ही आप अपने इस बटन को ऑफ करेंगे या फिर आप अपनी हा, अपना हाथ इससे हटाएंगे तो हमारे पास करंट की करंट का फ्लो रुक जाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फील्ड को लॉस कर देगा और हमारे पास किसी किस्म की आवाज नहीं सुनाई देगी तो इस तरह से हमारे पास जो नॉर्मल बेल होती हैं डोर बेल्स होती हैं वो इसी फिनोमिना के ऊपर वर्क करती हैं नेक्स्ट हम चलते हैं अपने वापस प्रेजेंटेशन की तरफ और अपने लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं हमारा जो नेक्स्ट uh, है दैट इज द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दैट इज एक्टिवेटेड एज एम आर आई सो दिस इज अ डिवाइस दैट स्कैन ऑल द टाइनी डिटेल्स इन द ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो ये एक डिवाइस है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म uh, मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बॉडी की टाइनी डिटेल्स को स्कैन uh, करती है और इजीली हम अपनी बॉडी के अंदर किसी भी डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं तो ये हमारे पास एक और एप्लीकेशन है नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी थर्ड एप्लीकेशन uh, की तरफ दैट आर दैट आर मेमोरी स्टोरेज डिवाइसिस एंड कंप्यूटर हार्डवेयर सो so, हमारे पास ऐसा डाटा जो कि गैजेट्स या फोन के अंदर स्टोर होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स एंड बिट्स फर्दर द कंप्यूटर हार्डवेयर दैट इंक्लूड मैग्नेटिक टेप्स दे ऑल्सो ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो मैगनीटिज्म और सिर्फ डेटा स्टोरेज में ही नहीं बल्कि हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में जो कम्युनिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोन्स ये तमाम चीज़ें भी हमारे पास दिस कम्युनिकेशन सॉरी सेलुलर डिवाइस अनएबल दिस कम्युनिकेशन बाईजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिकस एंड सिग्नल इंटरक्शन और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से हम डेली अपनी कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं और आसानी हम इंटरेक्शन कर सकते हैं तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारी डेली लाइफ के अंदर मुख्तलिफों में अपना रोल प्ले करता है सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी स्किल टेन पॉइंट सेवन की तरफ इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप वहां से ओपन करके इसको ईजीली सोल्व कर सकते हैं तो इन द स्किल भी इलेक्ट्रो मैग इन एंड इन हाउस होल्ड तो हमारे पास दो कैटेगरीज है फर्स्ट वन इज द इंडस्ट्री वेर एज से हाउस होल्ड तो यहां पर आप कुछ मुख्तलिफ आइटम सीख गई है दैट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक बल्ब मैगनेटिक सेपरेटर्स डोर लॉक्स लिफ्टिंग एंड मूविंग हैवी लॉक्स मैग्नेटिक लॉक्स इलेक्ट्रिक मोटर स्पीकर एंड मैनिमोर यहाँ पे जितनी तमाम आपको यहाँ पे आइटम दी गई है यू हैव टू कैटेगराइज इन टू दोप्रिएट सेक्शन द फर्स्ट वन इज द हाउस होल्ड एस सेकंड वन इज द इंडस्ट्री सो वट यर स्टूडेंट्स क्विकली पॉज यूर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड एंड सोल्व दिस स्किलीट वेरी गुड मुझे उम्मीद है कि आपने स्किल शीट को इजिली सोल्व कर लिया होगा नाउ Next, move towards the worksheet. You have to solve this by applying the knowledge that we just learned in this lecture. The link of this is also given in the description of this video. So, dear students, quickly pause your video for few seconds and solve this worksheet. Very good. So, that's all about today's lesson. I hope you have cleared today's lecture. Clear ho chuka hoga. Inshallah, lesson, we will discuss further topics. Ko discuss so, dear students, take care of yourself. Thank you very much and Allah Hafiz.